The kidnappers of Uttar Pradesh businessman Sanjeev Gupta have allegedly demanded a ransom of 100 crore from his family, while his whereabouts still remains sketchy for the second day. One of the relatives of the abducted businessman informed that the ransom message was sent to multiple people on WhatsApp from Sanjeev Gupta's mobile. As per the police, Gupta's car has been recovered from Aligarh district of Uttar Pradesh. Police have formed 5 different teams to bring back the businessman safely. Sanjeev Gupta, based in Firozabad, left his two-storey restaurant on Saturday evening for home, but he never showed up. His two phones were also switched off. Kumar Gupta ji ke WhatsApp se broadcast par kal ratri lagbhag 1:10 par kai logo ko ye message gaya hai ki Sanjeev Kumar Gupta ji ki salamati chahte ho to 100 crore rupaye chahiye nahi to maut. और उसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बाकी जिन लोगों को ये मैसेज रिसीव हो रहे हैं वो अब इस उनके नंबर पर और उनके व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल करना बंद कर दें. पुलिस इस मैटर को देख रही है, पुलिस इस पे अपनी पड़ताल जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन कर रही है. हमें पुलिस के जांच के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, ये उन्हीं तक लिमिटेड है. हम बस इतना चाहते हैं कि जो भरसक हो सके हम करने को तैयार हैं संजीव जी की सलामती के लिए. ये गुमशुदगी 22 तारीख को दर्ज की गई थी और उसके उपरांत इस अनुक्रम में संजीव गुप्ता नामक व्यक्ति की गाड़ी अलीगढ़ में बरामद हुई. और जो बात फिरौती की है तो उनके परिजनों के द्वारा फिरौती की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई है. ये वायरल मैसेजेस कैसे प्रसारित हो रहे हैं, किसके द्वारा ये किया जा रहा है, ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं. और कुल 5 टीमें गठित हैं क्राइम ब्रांच और हमारे सीओज के नेतृत्व में, और मैं स्वयं इसको व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रहा हूं. और हमारी टीम के द्वारा कार्य सही दिशा में किया जा रहा है. हमें उम्मीद है कि सही बात इसमें तथ्य क्या है और अफवाह क्या है इसका खुलासा जल्दी ही कर देंगे हम.